आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जानिए दीपावली के 11 दिन बाद क्यों मनाया जाता है देव उठनी एकादशी का त्योहार। देव उठनी एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि एवं सावधानियों को जानिए विस्तार से। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लंबे समय के बाद योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होगा। श्रीहरि विष्णु सृष्टि के संचालन का दायित्व फिर से संभाल लेते हैं। इस दिन से ही विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यह तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। यह तिथि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत का विधान है। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय माता लक्ष्मी एवं हरिओम तत्सत लिखना न भूली। देव उठनी एकादशी तिथि जानिए। जानकार विद्वानों के अनुसार वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 पर शुरू होगी। वही तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाना उचित माना जा रहा है। अब जानिए तुलसी विवाह द्वादशी तिथि कब है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को शाम 4:04 से हो रही है। इसका समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर होगा। तुलसी विवाह द्वादशी मुहूर्त जानिए। तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्तों के बारे में जानकार विद्वानों का कहना है कि लाभ उन्नति मुहूर्त 6:47 से, अमृत सर्वायतम मुहूर्त सुबह 8:06 से 9:26 तक एवं शुभ उत्तम सुबह 10:46 से दोपहर 12:05 तक रहे। देव उठनी एकादशी पारण मुहूर्त जानिए। कार्तिक माह की एकादशी तिथि का व्रत यानी देव उठनी एकादशी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक रहेगा। इस दौरान भक्तों को पारण करने के लिए कुल 1 घंटा और 1 मिनट का समय मिलेगा। देव उठनी एकादशी पूजा विधि जानिए। देव उठनी एकादशी का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या भगवान श्री विष्णु जी का कोई अन्य मंत्र जपें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती गाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद पारण समय में व्रत तोड़े। वहीं दूसरी ओर जानकार विद्वानों के द्वारा पूजन की एक अन्य विधि भी बताई गई है, जो इस प्रकार है। तुलसी विवाह कराने के लिए सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी ले। इसके बाद उस पर लाल रंग का साफ आसन बिछाए। इसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से रंग दे, फिर उसके चौकी के ऊपर स्थापित कर दे। वहीं आप एक और चौकी ले, इस पर साफ या नया आसन बिछा ले। अब इस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित कर दे। दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास में रखे। दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाए। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भरे और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते डाल दे। इसे पूजा स्थल पर स्थापित कर दे। अब शालिग्राम जी और माता तुलसी के सामने दीपक जला।
फिर दोनों को रोली या कुमकुम से तिलक करे। इस दौरान तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चघाए। धीरे धीरे चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से श्रृंगार करते जाए। इसके बाद सावधानी से चौकी सहित शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी की सात परिक्रमा कराए। फिर दोनों की आरती करे। अंत में सुख सौभाग्य की कामना करते हुए फूल का छिड़काव करे और सभी में प्रसाद का वितरण कर दे। देव उठनी एकादशी की कथा जानिए। जानकार विद्वानों के अनुसार धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु जी ने उस राज्य के राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठकर राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चल। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिए। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तुम बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर होगा। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार होगा। सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दी। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया, कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्रीहरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद बैंकुट लोक को चला गए। देव उठनी एकादशी के धार्मिक महत्व को जानिए। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु चार महीने के योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस दिन देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस शुभ तिथि पर साधक व्रत करते हैं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही विशेष चीजों का दान करते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानिए कि एकादशी पर किन सावधानियों को रखना जरूरी होता है। जानकार विद्वानों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी तिथि पर तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। यदि आप तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं तो व्रत टूट जाता है और लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है, इसीलिए एकादशी पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप श्रीहरि की कृपा की पाना चाहते हैं, तो एकादशी पर तुलसी के आसपास सताई का विशेष रूप से ध्यान रखें। भूलकर भी तुलसी के आसपास जूते चप्पल या कूड़ेदान रखें, इससे लक्ष्मी जी नाराज होती है और दूर चली जाती है। गंदे या जूठे हाथ न तुलसी माता को नहीं लगाना चाहिए। तुलसी माता को कभी भी गंदे हाथ से या फिर जूठे हाथों से भूलकर नहीं छूना चाहिए। एकादशी तिथि पर स्नान करने के बाद ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए। एकादशी तिथि पर तुलसी मात की पूजा करते समय भूलकर भी काले कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, ऐसा करने से नकारात्मकता बढ़ जाती है। एक दिन पहले तोड़ ले तुलसी के पत्ते। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का भोग तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। ऐसे में विष्णु जी को तुलसी अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही उसे तोड़कर रख लेना चाहिए और भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाए और तुलसी मंत्रों का जाप करें।
ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। हरि ओम। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय माता लक्ष्मी एवं हरिओम तत्सत लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।